वो अपना दिए थे कुछ दिन के लिए आपके पास केयर टेकिंग करने के लिए केयर टेकिंग हो गया आप ले ले रहे हैं बस यही मैं उनके पापा को ही बोलूंगी गुनगुन -गुन के पापा को कि अपना फ्लैट अपने नाम में ही रखना पर गुनगुन -गुन के नाम में मत करना भी फिलहाल क्योंकि गुनगुन के गिर्द बहुत ऐसे कांटे बिछे हुए हैं जो उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं तो इसलिए स्पेशली काटा है ध्रुव की मम्मी इसलिए अपना फ्लैट अपने नाम में रखना पर समर की मम्मी को यहाँ इतना चिटक क्यों लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है यहां आप राधिका को यह चीज बोल रहे हो कि समर के साथ घर बसाओ पर आप ये बात क्यों बोल रहे हो कि गुनगुन -गुन का घर बसा हुआ है अभी अगर गुनगुन -गुन का घर बसा हुआ नहीं होता ध्रुव के साथ तो आप समर के लिए राधिका को एक बार भी आप रिक्वेस्ट करते हैं कि घर बसाओ और आप रिक्वेस्ट क्या आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो आप सीधा उसको बोल रहे हो कि समर के संग तुम क्यों नहीं रह सकती हो जब गुनगुन वहाँ रह रही है अरे वाह ये तो अच्छा है जैसे दो एप्पल है एक एप्पल तुम खा लो एक एप्पल तुम खा मतलब कभी इच्छा हुआ एप्पल खा लिया कभी इच्छा हुआ पाइन खा लिया ये क्या बात होता है ये शादी है शादी आप खुद भी तो एक शादीशुदा इंसान है आप क्या ये चीज़ नहीं समझ सकती हैं? आप अपने बेटे के लिए हमेशा वो स्टैंड लेती हैं और अपने बेटे के लिए हमेशा गलत ही स्टैंड लेती हैं अच्छे वाला स्टैंड लो ना तो हम भी आपके लिए अप्रिशिएट करें पर आप वो सब काम नहीं करती हो समर की मम्मी आपको यहाँ अभी ये चीज़ खाया जा रहा है कि आपके सर के ऊपर से छत चला जाएगा अभी आपको ये चीज़ खाया जा रहा है कि जब गुनगुन -गुन का घर बस रहा है तो राधिका समर का घर क्यों नहीं बस रहा है आपको अभी ये सब की चिंता पड़ी हुई है पर आप एक बार भी राधिका को समझा के प्यार से माथे में हाथ फेर के एक बार बोलो कि राधिका जो भी हुआ हो गया अब ऐसी गलती नहीं होगी मेरे बेटे से अगर होती भी है तो अपने बेटे को मैं तिरस्कार करूँगी मगर तुझे अपनी बहू अपनाऊंगी अपनी बेटी की तरह रखूंगी जैसे मैं गुनगुन को बेटी बेटी करती हूँ आपने एक बार भी ये चीज़ कहा नहीं कहा आपसे ये चीज़ कहा भी नहीं जाएगा क्योंकि आप खुद वैसे हो आप ऐसे हो इसीलिए आपका समर भी वैसा है आप अगर अच्छे संस्कार देते अपने बेटे को तो आपका बेटा आज का ये गलती करता ही नहीं अपनी गलती से आज का दिन आपको समर को देखना पड़ रहा है और सारे गलती आप दूसरे के ऊपर थोप रहे हो ये बहुत अच्छी है आपकी तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है और राधिका ने जो जवाब दिया मुझे तो सौ टका बहुत अच्छा जवाब लगा उसको अपनी सास को ऐसे ही जवाब देना चाहिए था क्योंकि वो ये डिजर्व करती है तो चलिए आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए चैनल में नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए तब तक लिए बाय बाय